بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैर से खुशी बाश और मज़े में होंगे। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। तो पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में झटके महसूस किए गए हैं। पाकिस्तान के इलाके लाहौर, सियालकोट, सकरतू, आज़ाद कश्मीर में इन बहुत से इलाकों में इस तरह का अर्थक्वेक हुआ है। तो लोग खौफज़दा होकर अपने घरों से बाहर निकले हैं और कलमे का विद कर रहे हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, आप ही अल्लाह को याद करें और कलमे का विद करें और दुआ करें, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से एक आफत होती है। सुनने में यह आया कि खबरों में ये खबर मिली है कि ये ताजिकिस्तान की तरफ से इन झटकों को महसूस किया गया है, यानी कि इनका इन झटकों का मरकज ताजिकिस्तान है। तो ये पाकिस्तान में इस शिद्दत को 6.4 पर रिकॉर्ड किया गया है। जी दोस्तों, अगर आपके पास इन झटकों के झटके की कोई वीडियो है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में शेयर करें, नहीं तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर व्हाट्सएप दूंगा, तो आप उसमें भी शेयर कर सकते हैं ताकि हम लोगों को बता सकें कि कहीं भी किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तो प्लीज़ दोस्तों, आप भी अल्लाह से दुआ कीजिए किसी भी कोई भी नुकसान या कोई भी माली नुकसान ना हुआ हो। तो उम्मीद करते हैं आप लोग भी खैर खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, हम आपको जल्द ही अपनी अगली वीडियो में बताएँगे ये जल्जले क्यों आते हैं, इसकी क्या वजह है। तो ये उत्ती तो कुदरती आफत है, लेकिन साइंस इसे क्या कहती है। तो हम आपको अपनी अगली वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे कि ये जलजले क्यों आते हैं, क्या वजह बनती है, और कभी कभी ये किसी इलाके में आते हैं और किसी इलाके में नहीं आते। जिस तरह पाकिस्तान के कई के इलाकों में झटकों को महसूस किया गया, जैसे लाहौर, उकाड़ा, सकरतू, आज़ाद कश्मीर, सियालकोट वगैरह, इन इलाकों में महसूस किए गए। तो इसी तरह पाकिस्तान के किसी किसी इलाके में ये नहीं भी महसूस किए गए होंगे। तो आप मेरी अगली वीडियो का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा, उसमें आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताऊंगा कि ये जलजले क्यों आते हैं। तो पिछली दफ़ा खैबर पख्तूनख्वा में भी आए थे, ये कुछ मंथ पहले भी आए हैं, सुनने में आया। तो ये जलजले अक्सर आते रहते हैं। तो आप दोस्तों से बस यही रिक्वेस्ट है, हमें बस अल्लाह के सरबजूद होना चाहिए और उससे दुआ करनी चाहिए और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगनी चाहिए। तो इन जलजलों में बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में 2008 में जलजले आए थे, तो उन्होंने बहुत काफ़ी नुकसान किया था। तो लिहाजा आप भी दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप भी दुआ कीजिए कि पाकिस्तान में कोई भी कोई जानी मारी नुकसान ना हुआ हो। तो जी दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।